आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि वह संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की अवमानना को देखकर बेहद निराश है। उन्होंने कहा कि चुने गए प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शिष्ट और सम्मानजनक रूप में होनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टेलीफोन आया है, जिसमें उन्होंने कुछ सांसदों की अभद्र नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब तक विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक पार्टी का विरोध जारी रहेगा। संसद परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को रोकने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन जानबूझकर किया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य तीन आपराधिक प्रक्रिया विधेयकों को बिना किसी बहस और चर्चा के पारित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तेलंगाना के भूदान पोचमपल्ली में बुनकरों को आश्वासन दिया कि पोचमपल्ली बुनाई को और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने आज सुबह यदाद्री भुवनगिरी जिले के भूदान पोचमपल्ली गांव का दौरा किया। उन्होंने पोचमपल्ली रेशम और कपास की अनूठी इत्र बुनाई की कला को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने पोचमपल्ली बुनाई को GI टैग दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों के बुनकरों को भी पोचमपल्ली की जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया। विपक्षी सांसद थॉमस चाजिकादान और AM आरिफ को अनुचित व्यवहार के लिए आज लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में गंभीर कदाचार के लिए दोनों सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करना है। इससे केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। लोकसभा ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्षर द्वितीय विधेयक 2023 पारित कर दिया है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लेगा। ये देश में आपराधिक अपराध पर प्रमुख कानून है। नया विधेयक सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की जगह लेगा। CRPC गिरफ्तारी अभियोजन और जमानत के लिए है। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 BSB 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। यह अधिनियम भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता पर है। यह सभी नागरिक और आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। इन कानूनों में FIR से लेकर केस डायरी से लेकर आरोप पत्र और आरोप पत्र से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। मंगलवार 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी अलायंस की हुई बैठक में यह सहमति बनी थी कि इस महीने के अंत तक सीट शेयरिंग पर हर हाल में सहमति बना ली जाएगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, उसके लिए बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और अरविंद केजरीवाल ने इस नाम पर समर्थन जताया। लेकिन अगले ही दिन आप पार्टी ने पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को झटका दे दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में यहां की सभी 13 सीटों पर वह अकेले ही लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर JDU सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक को असफल करार दिया है। इस तरह एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार और पार्टी लाइन के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की बैठक पर कहा कि पहले मीटिंग में समोसा मिलता था, इस बार सिर्फ चाय बिस्कुट हुआ। JDU के सुनील कुमार पिंटू बताया, पहले तो मीटिंग्स में चाय समोसे चलते थे, पर अभी कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि फंड की कमी है, लोग उन्हें डोनेट करें। JDU सांसद ने कहा कि कल की मीटिंग तो बस चाय बिस्कुट पर रह गई, समोसे भी नहीं आ पाए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है। शराब नीति पर कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद अब शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। साथ ही अब साल में 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। ये शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी। हालांकि इसके कुछ नियम अभी से लागू हो जाएंगे। नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव बियर को लेकर भी किया गया है। अब बियर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। नई नीति के तहत अगर शराब दुकान के बगल में कम से कम 100 वर्ग फीट की जगह खाली है तो वहां लोग बियर पी सकेंगे। हालांकि ये फ्री में नहीं होगा, इसके लिए लाइसेंस धारक को कुछ रकम भी चुकानी होगी। नई शराब नीति में साल के 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुल सकेंगी। नई नीति के तहत क्रिसमस की रात यानी 24 दिसंबर और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात के 11 बजे तक खुल सकेंगी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार 20 दिसंबर को विपश्यना केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम केजरीवाल 30 दिसंबर तक यहां रहेंगे। ऐसे में साफ है कि गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल को पिछली बार मामले में ईडी ने समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इस दौरान भी वो पेश नहीं हुए और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां प्रचार करने के लिए पहुंच गए। केजरीवाल ने ईडी को लेटर लिखते हुए कहा था कि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित है, ये सब बीजेपी बदले की राजनीति के तहत कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि हाल के विधानसभा चुनावों में हार की हताशा विपक्ष के चेहरे पर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी स्वयं नकल को बढ़ावा देने में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह न सिर्फ उपराष्ट्रपति का बल्कि एक खास समुदाय का भी अपमान है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संसद में विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग को दोहराया। सभापति की नकल उतारने के संबंध में श्री धनखड़ द्वारा उनके समुदाय का अपमान करने का हवाला देते हुए श्री खड़गे ने कहा कि हर मुद्दे में जाति को घसीटना ठीक नहीं है। श्री खड़गे ने कहा है कि जब तक विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक पार्टी का विरोध जारी रहेगा। श्री खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को रोकने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन जानबूझकर किया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य 3 आपराधिक प्रक्रिया विधेयकों को बिना किसी बहस और चर्चा के पारित करना है। इससे पहले सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर विपक्षी दल के सदस्यों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज संसद परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। श्रीमती गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर लोकतंत्र को कमजोर किया है। इस बीच लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्षर द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा आगे शुरू हुई। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 560 से अधिक ऐसे चयनित स्टेशनों पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहरों और रेल से संपर्क के लिए यातायात योजना और मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुड़ी को भ्रष्टाचार के एक आरोप में दोषी पाया है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पोनमुड़ी और उनकी पत्नी को दोष मुक्त किए जाने के बाद पहले के आदेश को रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में पी विशालाक्षी ने 2011 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने पोनमुड़ी और उनकी पत्नी को कल न्यायालय में पेश होने को कहा है। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक विरोध संबंधी निर्णय का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा पहली बार हुआ है
कि अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर देश की सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की बैलेट पर चुनाव लड़ने नहीं देगी तो वह कोलोराडो क्षेत्र से अपना नाम वापस ले लेंगे। अमरीकी कैपिटोल पर हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विवेक रामास्वामी ने यह टिप्पणी की। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 21 दिसंबर 2023 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिम्पी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूले। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।